कैसे हो आप सब? आप सभी का हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हमने हमारे कल चैप्टर में पढ़ा था कि नकल एक बुरी आदत है, मतलब नकल होती है किसी की कॉपी करना, वो क्या होती है, बैड हैबिट्स होती है, हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। तो आज हम उसकी एक्टिविटी करेंगे, आज हम उसके सारे शब्दार्थ मतलब अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। तो पहला है शब्दार्थ, मतलब किसी शब्दों के अर्थ होते हैं ना कि उनका अर्थ क्या होता है। जैसे नमस्कार, नमस्कार का अर्थ क्या है, नमस्ते प्रणाम, मतलब नमस्कार का हम जब किसी से मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं ना, तो नमस्ते या प्रणाम। माहिर है ना, माहिर निपुण, माहिर का अर्थ क्या होता है, निपुण, जो किसी काम में निपुण होता है ना, कोई काम में माहिर होता है। जैसे बगुला मछलियाँ पकड़ने में माहिर था, है ना, तो माहिर का अर्थ होता है निपुण, निगाह है ना। बगुला आसमान में उड़ता था और उसकी नज़र कहाँ होती थी, निगाह कहाँ होती थी, नीचे होती थी, तो निगाह का अर्थ क्या होता है, नज़र। फौरन मतलब वो जैसे मछलियाँ दिखती वो फौरन नीचे उतरता, फौरन यानी तुरंत या शीघ्र ना। फुर्ती, फुर्ती का अर्थ होता है तेज़ी, फुर्ती से हमें काम करना चाहिए, मतलब तेज़ी है ना। झपटा, झपटा मतलब हमला किया, जैसे वो बगुला मतलब जो कौवा था उसने मछली थी उसने झपटा किया ना, तो वो क्या होता है, झपटा कर, झपटा मतलब हमला किया। खिसकना, कौवे ने जैसे चोंच अंदर डाली थी वो क्या हो गई थी, मछली खिसक गई थी ना, तो खिसकना का मतलब होता है अलग हटना। उलझना, उलझना का मतलब फंसना, अकल बुद्धि या दिमाग है ना। कोशिश, प्रयास, कोशिश का अर्थ होता है प्रयास या प्रयत्न। फिर है आओ अभ्यास करें, मौखिक मतलब यह आपको ओरल करना है ना। कोशिश, मुश्किल है ना। फौरन, अपने जो शब्दार्थ पढ़े थे आपको इनको क्या करना है, सिर्फ ओरल करना है इनको ना, सोच समझ कर बताइए। कौवा कहाँ रहता था, तो हमने पढ़ा था कौवा जो था नदी के किनारे पेड़ पर रहता था। कौवे की दोस्ती किससे हुई थी, कौवे की दोस्ती बगुले से हुई थी। मछली पकड़ने में कौन माहिर था, जैसे मछली पकड़ने में बगुला माहिर था। अब है लिखित, मतलब इन ये जो है लिखित आपको इनको रिटर्न करना है अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक या रफ नोटबुक में आपको इसको क्या करना है, राइट डाउन करके मुझे फोटो या वीडियो आपको मुझे रिसेंड करनी है ग्रुप में, ठीक है। तो हम इस पर सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो कौवा प्रतिदिन कहाँ रहता था, घोंसले में, नौ, छत पर, नौ, इसमें सर राइट होगा पेड़ पर, वो कहाँ रहता था, पेड़ पर रहता था। कौवा रोज किसे नमस्कार करता था, हाथी को, राम, सूरज को, नौ, बगुले को, इसमें भी स है जो राइट है, बगुले को नमस्कार करता था। फिर है कौवे की चोंच किस में उलझ गई थी, तो कौवे की चोंच किस में, बेलों में, काई में, या दोनों में, तो इसमें भी क्या होगा, स राइट होगा, दोनों में उलझी थी ना, बेलों में और काई में, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो एक दिन कौवा में उड़ा, किस में उड़ा था, आसमान में उड़ा था, तो इस पे ये वन जो है वन नंबर पे ये आएगा, आसमान में उड़ा था। दूसरा है की चोंच काई और बेलों में उलझ गई थी, किसकी चोंच थी, जो काई और बेलों में उलझ गई थी। कौवे ने कॉपी किया था ना बगुले की, तो कौवे की चोंच क्या थी, ये आएगा सेकंड नंबर पर, कौवे की चोंच थी जो काई और बेलों में उलझ गई थी। थर्ड है हमारा बगुले ने बड़ी रिक्शा से कौवे को पानी से बाहर खींचा, बड़ी मुश्किल से है ना, उसने बहुत ही प्रयास किया था ना, बहुत ही मुश्किल से उसको क्या, पानी से बाहर खींचा और किनारे की तरफ लेके आया। फिर बगुला आकाश में उड़ता, लेकिन उसकी नीचे क्या रहती थी, उसकी जो निगाह होती थी वो नीचे रहती थी, निगाह या नज़र, लेकिन हमारे रिक्शान में है निगाह, तो फोर नंबर पे आएगा निगाह। फिर है बगुला पकड़ने में माहिर था, बगुला क्या पकड़ने में माहिर था, बगुला जो था मछलियाँ पकड़ने में माहिर था, तो फिफ्थ नंबर पर आएगी मछलियाँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया आप मुझसे दोबारा पूछना ये, ठीक है। चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए, मतलब ये जो है इनको सही में इनको मैच करना है। माहिर,
माहिर शब्दार्थ हमने पढ़े थे ना, माहिर का अर्थ होता है निपुण। तो इसको क्या करना है हमें, निपुण से ऐसे मैच कर देना है। माहिर का अर्थ होता है निपुण। इसको इसे मैच करना है। फिर होता है फौरन, फौरन शीघ्र। फौरन को क्या करना है हमें, तुरंत या शीघ्र। तो यहाँ तुरंत शीघ्र दिया हुआ है ना, शीघ्र से क्या करना है इसको मैच करना है। फिर है फुर्ती, फुर्ती का अर्थ होता है तेजी, तेजी। फुर्ती का अर्थ तेजी से मैच करना है इसको। अकल, अकल मीन बुद्धि या दिमाग, इसमें बुद्धि दिया हुआ है ना। कोशिश, कोशिश का अर्थ होता है प्रयास, है ना, प्रयास या प्रयत्न। ठीक है, इनको इससे ऐसे मैच करना है, जैसे हमने शब्दार्थ किए थे आपको इनको लर्न करने हैं, फिर इनको मैच करने हैं। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे 1, 2, 3 आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जिनको ये आपको अपनी जो बुक्स में हमने स्टोरी पढ़ी थी अभी, नकल बुरी आदतें, उसको आपको अच्छे से पढ़कर उसमें आपको क्वेश्चन आंसर आपको देख के इसमें लिखने हैं। कौवे और बगले की दोस्ती कैसे हुई थी, कैसे हुई थी, क्योंकि जो कौवा था जो पेड़ के किनारे रहता था और वह डेली उसको नमस्ते करता था, तो ऐसे में उनकी क्या हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। बगुला मछली कैसे पकड़ता था, बगुला आसमान में उड़ता लेकिन उसकी निगाहें जो रहती थी वो नीचे रहती थी, जैसे उसको मछली दिखती वे नीचे आता, अपनी चोंच पानी में डालता और पाँव ऊपर करके फटाक से मछली को पकड़ लेता था। कौवा पानी में क्यों डूबने लगा, कौवा की जो, कौवे ने जो थी बगुले की नकल की थी ना, तो उसकी जो चोंच थी वो किसमें, बेलों और कायों में फंस गई थी और उसका सर जो था वो पानी में डूबने लगा था, उसने बगुले की नकल की थी ना। आपको ये क्या करना है, ये 3 जो क्वेश्चन है इनके आपको नोटबुक में राइट करके मुझे फोटो सेंड करनी है। ठीक है, चलते हैं हमारे व्याकरण ज्ञान, मतलब निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द पर गोला बनाइए, मतलब जो ये है इसमें आप एक ही वर्ड के बहुत सारे कुछ शुद्ध वर्ड्स हैं कुछ अशुद्ध वर्ड्स हैं, तो इनमें क्या करना है आपको, शुद्ध वर्ड को ढूंढकर इस पर गोला बनाना है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट, ये देखो नमस्कार, नो, ये भी गलत। सेकंड जो है, सेकंड देखो नमस्कार, फिर नमोस्कार, नमस्कार, तो इसमें जो होगा वो ये जो सेकंड है ये वाला राइट है, तो आपको इस पर क्या करना है, गोला करना है, शुद्ध है ये, है ना। फिर है मछलियाँ, 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 तो इसमें जो है थर्ड नंबर वाला ये जो है ये शुद्ध है, इस पर आपको ऐसे गोला बनाना है। ठीक है, फिर है मुश्किल, 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 नहीं, इसमें जो ये फर्स्ट नंबर वाला है ये आपका राइट है, इस पर आपको इसे गोला बनाना है। फिर है असमान, आसमान, 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 तो इसमें ये जो है आपका सेकंड नंबर वाला ये आपका राइट है। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे शुद्ध वर्ड देख के आपको अपनी नोटबुक में ये राइट करने हैं। चलते हमारे 6 क्वेश्चन की ओर, इसमें दिए गए प्रत्येक शब्द में एक एक वाक्य बनाइए, मतलब जो ये हमने पिछले चैप्टर में किया था कि हमें एक वर्ड दिया हुआ है इसको आपका पूरा वाक्य बनाना है, जो आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो या बुक्स में से, जो आपने बुक्स में हमने स्टोरी पढ़ी थी वैसे बना सकते हो, है ना। मुश्किल मतलब, मुश्किल का एक वर्ड जो आपको दिया हुआ है इसका आपको पूरी एक वाक्य बनाना है, पूरी एक लाइन बनानी है। जैसे कौवा ने, बगुले ने कौवे को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, पानी के बाहर निकाला। फुर्ती, बगुला क्या था, वह बड़ी फुर्ती से आसमान से उतरता और फुर्ती से वो क्या करता था, पानी में अपनी चोंच डाल के मछली को पकड़ लेता था। जो वाक्य इसमें दिए हुए वर्ड उसको आप अपनी तरफ से भी राइट कर सकते हो। नमस्कार, कौवा क्या था, नदी के किनारे रोज जाता और किसको, बगुले से, बगुले को नमस्कार करता था, या फिर बगुला, कौवा जो था, कौवा हमेशा बगुले को हमेशा नमस्कार करता था। दोस्ती, दोस्ती मतलब कौवे और बगुले में गहरी दोस्ती थी। भोजन, बगुला कौवे के लिए रोज भोजन
रोज भोजन देता था, मतलब रोज भोजन का इंतजाम कर देता था, है ना। फिर है सेवंथ हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन से बहुवचन लिखिए। एक वचन से आपको क्या लिखना है? बहुवचन। जो वस्तु या व्यक्ति जो एक होता है उसको एक वचन कहते हैं। एक से अधिक, दो, तीन, चार, पाँच या फिर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। अगर कोई चीज़ वन है तो वो तो एक वचन, वन से ज़्यादा मतलब टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, तो वो हो गई बहुवचन। तो जैसे कौवा, कौवा एक, कोए मतलब बहुत सारे कोए, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। जैसे बेल, एक बेल तो एक ही होगी, बेलें, बेलें से क्या होता है? दो, तीन, चार या दो से अधिक भी हो सकती है, बेलें। फिर आता है थर्ड, नदी, नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। फिर आता है थर्ड, थर्ड में है बेल, तो बेले का भी मैंने बताया था, बेलें मतलब बहुत सारी बेलें, बेल का बहुवचन होगा बेलें। दिन, दिन एक दिन, दिनों बहुत सारे दिनों, बहुत सारे दिनों की बात है, यानी बहुत दिनों की बात है, दिनों। मछली, एक मछली, मछलियाँ, मछलियाँ मतलब बहुत सारी मछलियाँ, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, एक से अधिक जो होगी वो होगी मछलियाँ। बगुला है ना, बगुला, बगुला का क्या होगा? बगुले, बगुला एक बगुला और बगुले बहुत सारे बगुले, ठीक है। आपको इनके बहुवचन बनाने हैं अपनी नोटबुक में। फिर है हमारा एट क्वेश्चन, एट है हमारा असमान अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाइए। असमान मतलब असमान अर्थ, जिनका समान अर्थ नहीं निकलता हो, जो इनसे भिन्न हो, अलग हो। जैसे निगाह मतलब नज़र भी होता है, दृष्टि, आँख, ये तो सारे एक ही है ना। काम, काम का आँख से कोई लेना देना नहीं है। नज़र, दृष्टि, आँख, ये सारे आँख के मतलब निगाह के पर्यायवाची हैं, मतलब समान अर्थ देने वाले हैं। निगाहों को नज़र, दृष्टि, आँख भी कह सकते हैं, लेकिन काम नहीं कह सकते, तो हमें ये असमान है। तो असमान पे हमें क्या करना है? इसे गोला बनाना है। असमान शब्द पर क्या करना है? गोला बनाना है। फिर है फॉरेन, फॉरेन विदेश नहीं, वो फॉरेन होता है, है ना। तो ये वैसे तुरंत, शीघ्र, एकाएक, तो ये सारे सेम अर्थ हैं, लेकिन विदेश इसमें इसका कोई लेना देना नहीं, वो फॉरेन होता है ना कि फॉरेन होता है। तो हमें क्या करना है? विदेश पे गोला बनाना है, है ना। फॉरेन का अर्थ तुरंत भी होता है, शीघ्र भी होता है, एकाएक भी होता है। तो ये सेम अर्थ है, लेकिन विदेश इनका अर्थ नहीं है, इनका अलग ही है। फिर है नमस्कार, नमस्कार का अर्थ प्रणाम, नमस्ते, रास्ते और राम राम। तो बताओ इसमें अलग क्या है? नमस्कार का अर्थ प्रणाम होता है, नमस्ते होता है, लेकिन रास्ते नहीं होता। तो ये रास्ते इसका समान अर्थ नहीं है ना, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ये इस पर हमें ऐसे गोला बनाना है। फिर है माहिर, माहिर का अर्थ निपुण, अभी हमने पढ़ा था, निपुण राइट है, कुशल, कुशल भी राइट है, दक्ष मतलब किसी काम में वह दक्ष है, अनजान, अनजान का इनसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये इनकी कैटेगरी में नहीं आता। माहिर का अर्थ निपुण भी होता है, कुशल भी होता है, दक्ष भी होता है, लेकिन अनजान नहीं होता। तो हमें क्या करना है? अनजान पर ऐसे गोला बनाना है, मतलब जो समान अर्थ नहीं निकलते हैं उनके हमें क्या करना है? गोला बनाना है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रही हो बच्चा, आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन। समान अर्थ वाले शब्दों को जोड़े बनाकर लिखिए, मतलब जो समान अर्थ निकलते हो, दो दो ऐसे वर्ड ढूंढने जिनके आपको जोड़े बनाने हैं, एक या दो। तो बेचैन, बेचैन तो यहाँ पर आपको लिखना है बेचैन। तो अगर यहाँ पे आप लिखोगे बेचैन, तो बेचैन का होता है सेकंड जोड़ा व्याकुल। बेचैन का क्या होता है? व्याकुल। बेचैन और व्याकुल जो है ये क्या है? दोनों
दोनों सेम अर्थ हैं, बेचैन का अर्थ भी होता है और व्याकुल, दोनों ये एक ही अर्थ हैं, तो इनका जोड़ा बन गया बेचैन और व्याकुल। फिर है शुक्रिया, मतलब थैंक्स, किसी को हम जब शुक्रिया या थैंक्स धन्यवाद बोलते हैं तो, सॉरी पहले बढ़िया, बढ़िया मतलब ये बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, देखो बढ़िया और अच्छा, इन दोनों के, ये देखो इन दोनों का जोड़ा बन गया बढ़िया और अच्छा। बढ़िया मतलब भी अच्छा, मतलब एकदम बेस्ट होता है, अच्छा मतलब भी गुड, बढ़िया गुड, मतलब ये दोनों के सेम अर्थ निकलते हैं, है ना। फिर आता है शुक्रिया, शुक्रिया मतलब किसी का हम थैंक्स धन्यवाद जो बोलते हैं, तो देखो शुक्रिया और फिर है धन्यवाद, तो ये देखो इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया शुक्रिया और धन्यवाद, इनका सेम अर्थ होता है। फिर है गवाना, गवाना मतलब किसी चीज़ को गवा देते हैं या किसी चीज़ को हम खो देते हैं, वो हमारे पास से चली जाती है, हमने उसको गवा दी, मतलब जैसे हम गुमना वगैरह बोलते हैं ना वैसे, तो गवाना और खोना, तो ये एक इनका जोड़ा बन गया, गवाना और खोना ये एक जोड़ा बन गया। गवाना मतलब किसी चीज़ को गवा देना या किसी चीज़ को खो देना, इनके समान अर्थ निकलते हैं गवाना और खोना, तो ये इनका एक जोड़ा बन गया। फिर है सहायता, हेल्प, किसी की हेल्प करना, मदद करना, है ना, तो ये हो गया सहायता और मदद, इन दोनों का अर्थ सेम ही है, किसी की हेल्प करना, किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना, तो इनके समान अर्थ निकलते हैं ना, तो इनका एक जोड़ा बन गया। फिर है डर, है ना, डर मतलब जैसे हम किसी चीज़ का डर लगता है, किसी चीज़ का डर होता है, भय, है ना, प्राइवेसी है ना इनके, तो ये रहा डर और ये भय, तो इनको इनका मैच कर देंगे, इसका इनका एक जोड़ा बन गया डर और भय, ये हो गया ना। फिर है अच्छा का बढ़िया बन गया था, फिर मतलब मोस्ट ऑफ सारे जोड़े बन चुके हैं। फिर भी अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई तो आप प्लीज़ मुझसे दोबारा पूछिएगा, ठीक है ना, मतलब जो हम प्राइवेसी लर्न करते हैं इन दोनों के एक ही अर्थ के जो समान निकलते हैं ना, समान अर्थ, तो उनको प्राइवेसी कहते हैं। तो जैसे बेचैन का व्याकुल, बढ़िया का अच्छा, शुक्रिया धन्यवाद एक ही चीज़ होती है, गंवाना खोना एक ही बात होती है, सहायता मदद एक ही बात होती है ना, ये एक ही अर्थ है इनका। फिर है डर भय, डर भय एक ही कैटेगरी में है, अच्छा और बढ़िया ये भी हमने जोड़ा बनाया था। ऐसे ही आपको एक ही अर्थ वाले शब्दों के दो दो वर्ड्स लिखने हैं, मतलब उनका जोड़ा बनाना है एक दो, ठीक है। ऐसे आपको अपनी नोटबुक में राइट करके मुझे फ़ोटो सेंड करनी है ना, और फिर अगर कोई समझ में नहीं आया तो हम इसको दोबारा रीड करेंगे और दोबारा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर बच्चों।